और उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। व्यापम घोटाले पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि आरोप साबित हुए तो संन्यास ले लूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं व्यापम घोटाले को लेकर कि गलत तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है आरोप साबित हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और इसलिए हमने फैसला किया कि रेगुलर पुलिस जांच नहीं करेगी, एसटीएफ जांच करेगी, और जांच करके तथ्यों के आधार पर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई सबके सामने है, जैसे जैसे तथ्य मिले, जांच आगे बढ़ी, लोग पकड़े गए, जांच जारी है। फिर आरोप लगाए गए कि एसटीएफ ठीक जांच नहीं कर रही, 14 याचिकाएं माननीय हाई कोर्ट में दायर की गई सीबीआई को जांच देने के संबंध में, लेकिन सारी जांच देने के बाद यह फैसला माननीय उच्च न्यायालय का था कि एसटीएफ ठीक जांच कर रही है। इसी के साथ